बरेली, अलीगढ़, भोपाल, मुंबई, यहाँ पर फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, कट्टरता के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। शायद गोदी मीडिया को जिस मुद्दे की तलाश थी उसे वह मिल गया। बिहार चुनाव के पहले ऐसा कोई मुद्दा इस गोदी मीडिया के हाथ नहीं आ रहा था जिससे कि वह माहौल हिंदू मुस्लिम का कर दे। फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध पूरे विश्व में हो रहा है और हो भी क्यों ना। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों का समर्थन किया है। यही वजह है कि पूरे विश्व के मुसलमान इस देश और इस देश के प्रोडक्ट का विरोध कर रहे हैं और भारतीय मुसलमानों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। लेकिन गोदी मीडिया ने कैसे अपने टॉक शो में इसे कट्टरता का समर्थन बताना शुरू कर दिया है, आप ही देखिए। कट्टरता के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुस्तान एक मुल्क के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियरली बता दिया है कि फ्रांस के साथ खड़ा है और कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़ा है। तो अब जब इस तरीके के विरोध प्रदर्शन होंगे तो उससे मैसेज क्या जाएगा, आज इसी पर चर्चा होगी। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर कट्टरपंथ के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हुंकार। फ्रांस के नाम पर भारत में कट्टरता बढ़ाने वाली रैली। किसी के मजहब के बारे में टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। कल भी हम फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध कर रहे थे और आज भी हम कर रहे हैं। कई शहरों में मुस्लिम समुदाय की तरफ से प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया, मैग्रू के खिलाफ नारेबाजी की है, उनकी तस्वीरों को रौंदा। मुंबई और अलीगढ़ की तस्वीरें भी दिखा रहा है जहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल मैक्रों ने फ्रांस में कट्टरपंथ के खिलाफ सख्ती का ऐलान किया है। फ्रांस भारत के मित्र देशों में आता है और ऐसे में इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ ये प्रदर्शन भारत सरकार के लिए मुश्किल पैदा करने वाले हो सकते हैं। आपने देखा गोदी मीडिया ने किस तरह से अपना काम शुरू कर दिया। बिहार चुनाव में इसका असर दिखाने की कोशिश की जाने लगी है। भोपाल, मुंबई और देश के अलग अलग शहरों में किए गए प्रदर्शनों को कट्टरता का समर्थन करने वाले प्रदर्शन बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि भारतीय संविधान ने भारत के हर नागरिक को प्रदर्शन की आज़ादी दी है। और दी भी क्यों है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी ही इस देश में भी प्रदर्शन की आज़ादी के साथ जुड़ती है। लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी धर्म विशेष के खिलाफ जायज़ है? जी हाँ, बिल्कुल जायज़ नहीं है। यही वजह है कि एक धर्म में तस्वीर और फोटो का जब चलन ना हो तो उस धर्म के पैगंबर के कार्टून का कैसे समर्थन किया जा सकता है। और यही वजह है कि इस्लाम धर्म के मानने वालों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। लेकिन गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया ठहरी। भारतीय मुसलमानों ने कभी भी आतंकवाद का, कट्टरता का समर्थन नहीं किया, लेकिन गोदी मीडिया मुद्दों से भटकाकर अब शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों को एक बार फिर आतंकवाद और कट्टरता का समर्थन करने वाले प्रदर्शन बताना शुरू कर रही है। मैं आपकी टिकट बुक करवाती हूँ, जाइए जहाँ पर शरिया कानून लागू होता है। मुझे ये बताइए, कानून नहीं, मुझे बताइए कहाँ कुरान में लिखा है कि हुजूर की इंसल्ट, हुजूर का अपमान और सर कलम कर दो।